मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। एक ही प्रोजेक्ट में साथ काम करेंगे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण आखिरी बार फिल्म बाजीराव मस्तानी में साथ दिखाई दिए थे। अब दीपवीर के फैंस के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल शादी के बाद पहली बार दीपिका और रणवीर सिंह पर्दे पर एक साथ दिखाई देने वाले हैं। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जल्द ही एक ऐड फिल्म के लिए साथ आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जल्द ही लॉयड ब्रांड के एक ऐड के लिए साथ आ सकते हैं। फिलहाल लॉयड के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। जिम के बाहर कुछ इस अंदाज में दिखी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। करीना कपूर को मुंबई में जिम के बाहर स्पॉट किया गया। वह ब्लैक एंड व्हाइट जिम वियर में नजर आईं। ब्लैक एंड व्हाइट जिम लुक के साथ उन्होंने व्हाइट स्नीकर भी पहने थे। बता दें कि करीना अपने जिम लुक को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहती हैं। वह कपड़ों के साथ शूज मैचिंग का खास ध्यान रखती हैं। जिम जानवी कपूर के डेली शेड्यूल का भी हिस्सा है। उन्हें ब्लैक शॉर्ट्स और पिंक टॉप पहने हुए जिम के बाहर स्पॉट किया गया। उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए डेनिम बैग कैरी किया था। इस दौरान एक्ट्रेस ने नो मेकअप लुक अपनाया था। ट्विंकल खन्ना भी खुद को फिट रखती हैं। उन्हें अक्सर जिम के बाहर क्लिक किया जाता है। एक्ट्रेस जिम के बाहर ब्लू वन शोल्डर टॉप पहनी हुई थी। गौरतलब है कि अक्षय कुमार से शादी करने के बाद ट्विंकल खन्ना ने सीने जगत को अलविदा कह दिया है। इस वजह से किसी को अपना फोन नहीं दिखाते हैं करण जौहर। करण जौहर आमतौर पर अपनी फिल्मों से चर्चा बटोरते हैं, हालांकि कॉफी विद करण से भी वो काफी सुर्खियां बटोरते हैं। कॉफी विद करण पर कई सितारे कह चुके हैं कि करण जौहर काफी गॉसिप करते हैं। उनका एक ग्रुप भी है जिसमें करीना कपूर खान और रणबीर कपूर अक्सर अपनी जानकारियां शेयर करते रहते हैं और वो भी उनकी गॉसिप टीम का हिस्सा है। करण ने एक बार ये भी कहा था कि रणबीर कपूर को उनके फोन का लॉक पता है और वो अक्सर उनके फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं। हाल ही में अरबाज खान के शो क्विक हील पंच में करण से पूछा गया कि वो कभी किसी को अपना फोन क्यों नहीं दिखाते हैं। इस पर करण जौहर ने कहा कि मैं अपना फोन किसी को नहीं दिखाता हूं क्योंकि उसमें काफी कुछ गॉसिप मटेरियल होता है। पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक में दिखा रियल वर्सेस रियल लुक। पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक इन दिनों चर्चा में है। फिल्म में पीएम मोदी का किरदार एक्टर विवेक ओबेरॉय निभा रहे हैं। सोमवार को ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने नरेंद्र मोदी बायोपिक के नौ लुक जारी किए। फिल्म की कहानी में नरेंद्र मोदी के संघर्ष और पीएम की कुर्सी तक पहुंचने के सफर को दिखाया जाएगा। फिल्म का पहला पोस्टर लुक 7 जनवरी को जारी किया गया था। सामने आए लुक्स को देखकर फैंस का रिस्पॉन्स आने लगा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कहा कि विवेक की जगह बायोपिक में परेश रावल को होना चाहिए था। फिल्म 12 अप्रैल 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का पोस्टर देखने के बाद इसके ट्रेलर का जबरदस्त इंतजार है। पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक मल्टी स्टारर है। फिल्म में मनोज जोशी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की भूमिका में नजर आएंगे। बोमन ईरानी प्रसिद्ध बिजनेसमैन रतन टाटा का रोल प्ले कर रहे हैं। अनिल कपूर ने आनंद आहूजा के साथ शेयर की फोटो, लोग बोले दामाद कौन। पिछले दिनों जब मलंग की टीम में 62 साल के अनिल कपूर सबसे यंग और एनर्जेटिक नजर आए तो उनके फैंस ने सवालों की झड़ी लगा दी। हर किसी को ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि इस उम्र में भी अनिल कपूर इतने यंग कैसे हैं। वहीं अब अनिल कपूर की एक और ऐसी तस्वीर सामने आ गई है जिसने इंटरनेट पर अनिल कपूर को रियल लाइफ हीरो बना दिया है। यहां लोग पूछ रहे हैं कि दोनों में से दामाद कौन है। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर सोनम कपूर के पति और अनिल कपूर के दामाद आनंद आहूजा ने शेयर किया है। इसके साथ ही ये सेम एल्बम अनिल कपूर ने भी इंस्टाग्राम पर शेयर की है। अनिल कपूर ने इस तस्वीर में कैप्शन भी काफी मजेदार दिया है, खुद को लड़कों में से एक कह रहा हूँ। कहने को तो ये कैप्शन छोटा सा है लेकिन इस छोटे से कैप्शन में अनिल कपूर खुद को कम उम्र छोकरों के साथ मैच कर गए। सारा अली खान को लेकर दादी शर्मिला टैगोर की ये है ख्वाहिश। मुंबई में आयोजित एक अवार्ड शो में पहुंची एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने अपनी बायोग्राफी और पोती सारा अली खान को लेकर भी बात की। शर्मिला ने बताया कि उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखने की शुरुआत की है। उनसे पूछा गया कि अगर आपकी बायोपिक बनाई जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा, तो उन्होंने कहा अगर कभी किसी निर्माता को लगा कि उनकी कहानी दर्शक देखना चाहते हैं और ये फायदेमंद भी होगा तो बायोपिक जरूर बननी चाहिए। शर्मिला से फिर पूछा गया कि उनकी पोती सारा उनके फिल्म में कोई किरदार निभाती दिखेगी, तो शर्मिला ने कहा हाँ वो मेरी बायोपिक में मेरा किरदार निभा सकती है। सारा बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है और उनकी माँ की तरह वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। मैं सारा के काम से बहुत इम्प्रेस और खुश हूँ। वो जितनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं उतनी ही अच्छी इंसान भी हैं। उनके इंटरव्यू को देखकर लगता है कि वो कितनी विनम्र और सभ्य हैं। मुझे सारा पर बहुत गर्व है।
कलंक के पहले गाने में माधुरी संग आलिया की दिखी जुगलबंदी। मल्टी स्टारर मूवी कलंक के लुक पोस्टर और टीजर के बाद अब मूवी का पहला गाना घर मोरे परदेसिया रिलीज कर दिया गया है। आलिया की एक्टिंग स्किल्स तो सभी देख चुके हैं, गाने में एक्ट्रेस ने अपना डांसिंग हुनर भी दिखाया है। गाने को श्रेया घोषाल और वैशाली माडे ने गाया है, म्यूजिक प्रीतम ने दिया है, गाने के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं, रेमो डिसूजा ने गाने को कोरियोग्राफ किया है। गाने में आलिया भट्ट क्लासिकल डांस करती नजर आ रही हैं। गाने में वह कथक कर रही हैं। माधुरी दीक्षित संग उनकी सिंगिंग जुगलबंदी शानदार नजर आ रही है। माधुरी आलिया के अलावा गाने में वरुण धवन भी नजर आते हैं। गाने के बोल शानदार है। घर मोरे परदेसिया की शुरुआत में माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए सीन असरदार हैं। इंडिया फैशन वीक सितारों ने बिखेरा जलवा। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया फैशन वीक के दौरान रैंप पर फैशन डिजाइनर करिश्मा दीपा सोंधी की क्रिएशन पेश करती नजर आई बॉलीवुड अभिनेत्री दीपान्विता शर्मा। इंडिया फैशन वीक के इस मौके पर डिजाइनर की डिजाइन की गई पोशाक पहने अभिनेत्री वरीना हुसैन। फैशन वीक के दौरान रैंप वॉक करते जिम सर, इस दौरान सितारों ने रैंप पर जमकर जलवा बिखेरा। ब्लैक कलर की साड़ी पहने अदिति राव हैदरी इस दौरान बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। इंडिया फैशन वीक के दौरान रैंप पर अदिति राव हैदरी और डायना पेंटी। अवार्ड शो में एक दूसरे को मात देती सोनम और जानवी कपूर। अवार्ड शो में हॉटनेस के मामले में एक दूसरे को मात देती दिखी सोनम और जानवी। जानवी कपूर इस अवार्ड शो में सिल्वर गाउन में नजर आईं। रेड कार्पेट पर जानवी का कुछ ऐसा बोल्ड अवतार देखने को मिला। जानवी को यहां पर बेस्ट डेब्यू ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। वहीं सोनम कपूर भी यहां काफी बोल्ड अवतार में नजर आईं। इस अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर सोनम का ये अवतार देखने को मिला। सोनम कपूर ने जानवी के साथ ये तस्वीरें इंस्टा पर शेयर की हैं। वहीं जानवी ने भी अपने इस अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया है। आज सोशल मीडिया पर कपूर सिस्टर की ये तस्वीरें छाई हुई हैं। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।